हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चलिए चैप्टर को हम अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. Chapter 1 में हमने क्या किया था, एक लिस्ट बनाई थी कि हम क्या क्या खाना खाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में क्या खाना खाया जाता है। जैसे कि पंजाब में क्या खाया जाता है, सरसों का साग खाया जाता है। साउथ में इडली ज़्यादा खाई जाती है, इडली डोसा। यूपी के लोग रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बंगाल में फ़िश करी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपको बोला भी गया था एक एक्टिविटी में कि आप इन जगह चीज़ों को मार्क कर सकते हैं मैप में। बहुत सिंपल था, जहाँ पर वेस्ट बंगाल बना हुआ है वहाँ पर आप फ़िश करी मार्क कर दीजिए। इस तरीके से आपको करना था। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है चैप्टर 1 तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए पहले चैप्टर 1 पढ़ें, उसके बाद ही चैप्टर 2 को देखें। और जिनने पढ़ लिया चैप्टर 1 तो उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए आगे देखिए। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक जो हमारा मील होता है, मतलब एक टाइम का जो हमारे ये खाना है, उसमें क्या क्या होता है। देखो, चपाती होती है, ये दिख रही है चपाती, दाल होती है और ब्रिंजल करी। मतलब ब्रिंजल करी की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, अपने मनपसंद सब्जी। Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of lady's finger, जिसको हम हिंदी में भिंडी कहते हैं। और दूसरा एक मील हम ऐसा बना सकते हैं कि क्या कर लें, चावल ले लें, सांबर ले लें और सूखी सी भिंडी ले लें। Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. और कोई इंसान क्या खाना पसंद करेगा, अप्पम के साथ फिश करी और वेजिटेबल्स। मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई हैं। और आप भी ज़रा अपने फ्रेंड से पूछ के देखना, जैसे आज आपने खाई होगी रोटी दाल और आलू टमाटर की सब्जी, और आपके फ्रेंड के घर में हो सकता है बना हो रोटी दाल और किसी और चीज़ की सब्जी। तो डिफरेंट डिफरेंट मील्स होते हैं सबके। अब यहाँ पर एक्टिविटी 1 में क्या समझाया जा रहा है, हर एक्टिविटी हमें कुछ समझा के जाती है, इसलिए एक्टिविटीज को पढ़ना बहुत जरूरी है। आर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। यूजुअली हमारा जो एक पूरा एक थाली होती है, हमारी मील जिसे हम अपना थाली कहते हैं, उस थाली में हमारे खाने की एक कोई भी आइटम ऐसा होता है जो ग्रेन से बना है। नॉर्थ इंडियंस के लिए ये जो थाली होती है उसमें ग्रेन की चीज़ क्या होती है, इम्पॉर्टेंट, रोटी होती है जो वीट से बनी होती है। वीट एक ग्रेन है। और दूसरी जो चीज़ होती है वो या तो दाल हो सकती है या मीट हो सकती है, और उसके साथ हम वेजिटेबल्स लेते हैं। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। और खाने का थोड़ा सा जायका बढ़ाने के लिए इसके साथ हम दही, छाछ या फिर सैलेड ले लेते हैं, अचार ले लेते हैं, पापड़ ले लेते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। अभी मैं आपको दिखाऊंगी टेबल 2.1, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के मील्स दिखाए गए हैं। सिलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1 एंड एड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1। तो हमने जैसा चीज़ें सोची थी ना चैप्टर 1 में कि इस पर्टिकुलर इलाके में ये चीज़ खाई जाती है, उस एक चीज़ के साथ हमें और भी चीज़ें मिक्स करनी है और टेबल 2.1 में लिखनी है। अभी हम जब टेबल 2.1 देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। काफ़ी ईजी है ये और इंटरेस्टिंग भी है। Sometimes we may not really have all this variety in our meals. लेकिन कई बार क्या होता है कि सारी वेराइटी हमारे घर में नहीं होती। कभी कभी हम सिर्फ दाल रोटी खा लेते हैं, सब्जी नहीं होती है घर में, या सिर्फ सब्जी खा लेते हैं, दाल नहीं होती है। If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. और especially जब हम कहीं travel करते हैं तो खाना अगर ना हो तो लोग normal चीज़ें खाते हैं। अगर जैसे चिप्स खा लिए, बिस्किट्स रख ली, नमकीन रख ली, फुल डाइट, मतलब फुल मील उनके पास नहीं होती है।
It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. और हमें से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो ये सारी वैरायटी का जो खाना है वो एक बार अपनी एक मील में ले सके, है ना? देर मस्ट बी सम रीजन दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, वैसे ये बताया गया कि एक मील में एक ग्रेन का आइटम होना चाहिए, दाल या फिर कोई मीट की करी होनी चाहिए या वेजिटेबल्स होनी चाहिए. तो इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा कि ग्रेन की कोई ना कोई चीज़ होनी ही चाहिए. कोई ना कोई तो कारण ज़रूर है, पता लगाओ क्या कारण है. डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज? क्या आपको लगता है कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है अलग अलग प्रकार के खाने की अलग अलग काम को करने के लिए? चलिए आगे देखते हैं. ये थी हमारी जो एक्टिविटी और ये है वो टेबल जिसमें हमें ये काम करना है. जैसे पंजाब रीजन या फिर स्टेट कह लीजिए, इलाका है पंजाब का. आइटम ऑफ ग्रेन, ग्रेन से बनी हुई चीज क्या है यहाँ पर? मक्के की रोटी, ठीक है, जो कॉर्न से बनी होती है. अब आइटम ऑफ दाल या फिर मीट, या तो दाल खा लेंगे या तो मीट खा लेंगे, जिसको जैसा पसंद है. तो ये राजमा खा रहे हैं. वेजिटेबल में इन्हें सरसों का साग ले लिया है. और ज़्यादा जायका बढ़ाने के लिए कर्ड ले सकते हैं, घी ले सकते हैं. अब वहीं अगर हम साउथ में आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये खाते हैं मेनली ग्रेन में राइस, रोटी नहीं खाते ये लोग, राइस खाते हैं. अब इन्होंने दाल ली है तुअर की दाल, जिसको अरहर की दाल भी कहते हैं, एंड रसम, इनके रसम खाया जाता है. वेजिटेबल में इनने कुंदरू लिया है और जो इनकी अदर चीज़ें हैं उन्होंने छाछ लिया है, घी लिया है और अचार लिया है. वैसे ही आप और स्टेट्स का भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं उत्तर प्रदेश का आपको बताती हूँ. यूपी एमपी का लगभग सेम ही रहेगा. यहाँ पर जो मान लीजिए यूपी लिख लीजिए या फिर एमपी लिख दीजिए, तो आइटम ऑफ ग्रेन में ये लोग मेजर प्रायोरिटी इनकी भी क्या होती है? रोटी होती है. बट किसकी बनी हुई? गेहूं की. जैसे यहाँ पर कॉर्न लिखा है, यूपी एमपी के लिए हम क्या लिख देंगे? वीट लिख देंगे. देन दाल मान लीजिए कोई भी दाल लिख लीजिए यहाँ पर, मसूर की दाल, तुअर की दाल, जो भी मूंग दाल जो उनको पसंद हो. वेजिटेबल्स आलू की सब्जी लिख लीजिए, लेडी फिंगर लिख सकते हैं हम, बीन्स लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सारी ही सब्जी मिल जाती है नॉर्थ में, तो जो भी पसंद हो. अदर्स में हम कर्ड लिख सकते हैं, घी लिख सकते हैं, सैलेड लिख सकते हैं. इस तरीके से आप अलग अलग रीजन की चीज़ें करिएगा. नॉर्थ ईस्ट की करिएगा, वहाँ पर आपको मीट के आइटम ज़्यादा मिलेंगे. 2.1 व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात पढ़ी थी ना कि क्या ज़रूरत है हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के खाने की, फॉर डूइंग डिफरेंट टास्क, मतलब अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग खाने की क्या ज़रूरत है. तो देखते हैं. वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इन्ग्रीडियंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. ये चीज़ हमने चैप्टर वन में भी देखी थी कि हमारी एक डिश को प्रिपेयर करने में एक से ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स लगते हैं और ये इंग्रेडिएंट्स हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं. दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी. दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. तो हमारे खाने में जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर के लिए और उन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स. ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, न्यूट्रिएंट्स वाला फूड खाया करो ऐसे. अब आप समझ चुके हैं न्यूट्रिएंट क्या होता है, कि जो हमारे खाने में कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं इम्पॉर्टेंट, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट कहते हैं. अब न्यूट्रिएंट भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये तो प्रोटीन होते ही हैं मेनली, लेकिन इसके साथ साथ फूड में डाइट्री फाइबर्स भी होता है और हमें वाटर का इंटेक भी करना चाहिए, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है.
डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हर एक खाने की चीज में ये सारी चीजें मिल जाती हैं? विद सब सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। हम एक सिंपल मेथड से ये पता लगा सकते हैं कि पके हुए खाने में या फिर कच्चे इंग्रेडिएंट्स में ये एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। तो जो टेस्ट हम करते हैं पता लगाने के लिए कि कितने न्यूट्रिएंट्स हैं पके खाने में या कच्चे खाने में, तो उन टेस्ट में जो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होता है, जो प्रोटीन का टेस्ट होता है और जो फैट्स का टेस्ट होता है वो ज़्यादा ईजी होता है इन कंपेरिजन टू विटामिन्स एंड मिनरल टेस्ट। चलिए टेस्ट करेंगे अब और ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। तो इसका हमें टेस्ट करने के लिए क्या चीजें चाहिए? आयोडीन चाहिए, कॉपर चाहिए, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा चाहिए। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। कुछ टेस्ट ट्यूब भी चाहिए और ड्रॉपर भी चाहिए। ट्राई दिस टेस्ट ऑन अ कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। इस टेस्ट को हम दोनों चीजों पे करके देखेंगे, पके हुए खाने पे भी और कच्चे खाने पर भी। शोज यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दिस टेस्ट। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। तो टेबल 2.2 में दिखाया है कि हमें किस तरीके से ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है और कुछ आइटम भी दिए हुए हैं टेबल 2.2 में, या तो हम उन्हीं के ऊपर टेस्ट कर लें या फिर कुछ और अलग आइटम भी ले सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी टेबल 2.1। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। ध्यान रखना ये वाली बात कि ये टेस्ट आपको एकदम केयरफुली करने हैं और ये तभी करने चाहिए जब आपके साथ कोई बड़ा हो, और केमिकल्स को कभी भी टेस्ट करने की कोशिश ना करें, ये डेंजरस हो सकते हैं वो। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। तो अभी तो स्कूल खुल नहीं रहे हैं, तो जब भी कभी अब स्कूल खुले तब कोशिश करिएगा ये चीजें करने की। अगर ये चीजें नहीं भी मौजूद है तो भी आपके टीचर बना सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहले अब हम क्या देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे टेस्ट करेंगे, ठीक है? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन The form of starch and sugars। देखो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के, लेकिन जो मेन टाइप्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो होता है स्टार्च एंड शुगर। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। और हम ईजिली पता कर सकते हैं कि क्या जो फूड आइटम है उसमें स्टार्च मौजूद है या नहीं। तो चलिए देखो एक्टिविटी फॉर स्टार्च। अगर किसी फूड आइटम में हमें स्टार्च मिल जाता है इट मींस उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। ले लिया हमने कोई भी एक रॉ इंग्रेडिएंट लिया। पुट, इन्होंने क्या लिया है, आलू लिए हैं। पुट टू और थ्री ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। ये आयोडीन की बॉटल है यहाँ पर साइड में और ड्रॉपर ये है, इसकी मदद से इनने इस आलू पे ड्रॉप्स डाली हैं आयोडीन सॉल्यूशन की। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। हमें अब क्या देखना है कि ड्रॉप्स डालने के बाद इस फूड आइटम पे कोई भी चेंजेस आते हैं क्या, क्या ये ब्लू ब्लैक होता है? अगर ये ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब इस खाने में स्टार्च मौजूद है, ठीक है? रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च।
तो अब आप इस चीज को कर सकते हो अलग अलग फूड आइटम्स के साथ, सो दैट आपको पता चले कि किस चीज में स्टार्च है और किस चीज में स्टार्च नहीं है। स्टार्च होने का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। टेस्ट फॉर प्रोटीन, अब देखिए प्रोटीन के लिए टेस्ट किया जाएगा। इसमें क्या करना है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वॉन्ट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और अ पाउडर इट। मान लीजिए जो भी आपको टेस्ट करना है कि इस पर्टिकुलर चीज में प्रोटीन है कि नहीं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले खाने की वो चीज ले लेंगे। अगर आपकी खाने की चीज सॉलिड है, लिक्विड नहीं है, पानी जैसी नहीं है, लिक्विड नहीं है, सॉलिड है, तो पहले आप उसका पेस्ट बनाएंगे, थोड़ा पानी वानी डाल के उसको गीला करेंगे या पाउडर बनाएंगे, और पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। अब इसके बाद क्या करना है, आपको उसके कुछ ड्रॉप्स जो भी हैं टेस्ट ट्यूब में डालनी है खाने की, और उसमें 10 ड्रॉप पानी की डालो और अच्छे से शेक कर दो उसको। फिर ड्रॉपर की मदद से उसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है। क्या डालना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और 10 ड्रॉप्स डालनी है कॉस्टिक सोडा की। अब इसके बाद देखना है कि होता क्या है। जब हम ऐसा करेंगे, चीजों को डालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, शेक करेंगे अच्छे से, ताकि जो भी सॉल्यूशंस हैं आपस में मिक्स हो जाएं। फिर कुछ टाइम के लिए टेस्ट ट्यूब को छोड़ देंगे बिना हिलाए। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, डिड द कंटेंट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। क्या जो भी चीजें खाने की हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर ली थी वो क्या वायलेट रंग की हो गई हैं? अगर वायलेट हो जाती हैं तो समझ जाना कि आपके खाने में प्रोटीन है। अब आप इस एक्टिविटी को अलग अलग खाने की चीजों के साथ कर सकते हो। ये थी वो टेबल जिसकी बात की जा रही थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले जो इन लोगों ने लिया था वो था पोटैटो, जो आयोडीन सॉल्यूशन डाला था, तो उससे ये ब्लू ब्लैक हो गया था, तो हमें पता चल गया इसमें स्टार्च तो है। फिर इन्होंने मिल्क के साथ किया, और मिल्क कैसा हो गया, पर्पल हो गया, तो पता चल गया मिल्क में प्रोटीन है। अब क्या करेंगे, ये फैट के लिए करेंगे, और ग्राउंड नट में हमें फैट मिल जाएगा। चलिए देखते हैं फैट कैसे पता करना है। टेस्ट फॉर फैट, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। जो भी हमें खाना, जिस भी खाने का हमें टेस्ट करना है कि उसके अंदर फैट है या नहीं, उसे हमें एक पीस ऑफ पेपर में लेना है, पेपर के अंदर बंद करना है और अच्छे से कूट लेना है। देन टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टियर। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि पेपर फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, डज इट हैव एन ऑयली पैच। तो अब पेपर को खोलिए और ये देखिए कि क्या उस पर वो तेल तेल जैसा निशान आ गया है। Hold the paper against the light. Are you able to see the light faintly through this patch? और फिर उस पेपर को लाइट के सामने ले जाइए, क्या उसमें थोड़ा सा आर पार जैसा दिख रहा है आपको? अगर आपको ऐसा दिखता है तो समझ जाइए कि उस चीज में फैट था। जो अब हम नमकीन खाते हैं ना घरों में नमकीन, अगर आप किसी पेपर पे उस नमकीन को फैलाओगे तो भी इस तरह के पैचेस आ जाते हैं, जिससे पता पड़ता है कि उस नमकीन में फैट है, क्योंकि नमकीन में ही, नमकीन तेल में तल के आती है ना, इसीलिए, जबकि देखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल फैट फ्री है। द फूड आइटम्स में कंटेन अ लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन द पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। इफ देयर वर एनी वाटर दे मे हैव कम फ्रॉम द फूड, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। जो फैट से बने ये आइटम्स हैं, इनमें कई बार क्या होता है, पानी भी होता है, तो हमें उस पेपर को थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए ताकि वो सूख जाए। इफ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। और अगर ये सब करने के बाद कोई भी ऑयली पैच यानी तेल जैसा चीज नहीं आती है पेपर पे, तो समझ जाइए कि उसमें क्या नहीं है, ऑयल फैट नहीं है। अब हमने तीन टेस्ट करे अब तक। एक तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स का किया, और मेनली कार्बोहाइड्रेट्स में हमने स्टार्च देखा कि स्टार्च कैसे पता करें। तो प्रोडक्ट पे हमें क्या डालना था, किसी भी आइटम पे क्या डालना था,
आयोडीन सॉल्यूशन, जिससे हमें पता चल जाता है अगर वो खाने की चीज़ ब्लू ब्लैक हो गई तो समझ लो इसमें स्टार्च है, कार्ब्स है। फिर हमने प्रोटीन का देखा, इसमें हमने कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला, अगर चीज़ वायलेट हो गई तो समझ जाओ प्रोटीन है। फिर हमने फैट का टेस्ट देखा कि अगर आपका फूड आइटम कोई एक ऑयली पैच छोड़ देता है पेपर के ऊपर तो समझ जाओ फैट है। तो व्हाट डू दीज टेस्ट शो, इन टेस्ट से हमें क्या पता चला? आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड? क्या आपने जो भी चीज़ें टेस्ट करी उन सब के अंदर प्रोटीन, फैट और कार्ब्स थे, कार्बोहाइड्रेट थे? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट? क्या आपको ऐसा कोई आइटम मिला जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट ना हो? वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने जो भी टेस्ट किए थे वो 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए किए थे, कार्बोहाइड्रेट के लिए किया, प्रोटीन के लिए किया और फैट के लिए किया। लेकिन कुछ और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे विटामिंस एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड्स, व्हाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? लेकिन हमें इन सब की बात तो असली यही आ जाती घूम फिर के कि इन न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत क्यों है। What do various nutrients do for our body? जो अलग अलग nutrients हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? Carbohydrates mainly provide energy to our body. Carbohydrates से हमें क्या मिलती है? Energy. Fat से हमें क्या मिलती है? Energy. In fact, fat give us more energy as compared to the same amount of carbohydrate. ये पता चलता है कि फैट हमें ज्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट से। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो जिन भी खाने की चीजों में फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, जैसे कहते हैं ना कि ये बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन की कमी है इसके खाने में, क्योंकि बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। देखिए बहुत सारे आइटम्स दिखाए गए हैं यहाँ पर, अलग अलग तरह के सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर सारे सोर्सेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के हो रहे हैं, जैसे कि राइस है, बाजरा है, वीट है, स्वीट पोटैटो है, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो एंड मेज। इन सब से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। और ये जो चीज़ें हैं ये सारी फैट्स देती हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, और ये तिल है, यहाँ पर क्या है ये बादाम दिख रहे हैं, और ये मूंगफली है, सनफ्लावर ऑयल है। नीचे देखिए सम सोर्सेज ऑफ फैट हमने देख लिया, और ये फैट है, दूसरी चीज़ें भी फैट हैं लेकिन इनका सोर्स है एनिमल, ये एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि मीट है, फिश है, एग है, घी, मिल्क, बटर एंड क्रीम। इन सारी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिलते हैं। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब प्रोटीन को एक और नाम से जाना जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को एनर्जी गिविंग फूड हम कह रहे थे, सेम उसी प्रकार हम प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि ये हमारी बॉडी बनाते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। विटामिंस हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस, और विटामिंस क्या करती हैं? हमें बीमारियों से बचाती हैं। Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. इसलिए कहा जाता है कि leafy vegetables खाइए, carrot खाइए, जिससे आपकी आँखों की रोशनी बढ़े। तो vitamins हमें बीमारियों से बचाती है और हमारी eyes, bone, teeth, gums यानी मसूड़ों को healthy रखती है। Vitamins are of different kinds known by different names. Vitamin जो होती है वो कई प्रकार की होती है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के।
वाइटामिन के ऊपर मैंने ना अलग से एक वीडियो बनाई थी, तो अगर आप वो वाइटामिन के ऊपर की वीडियो देखना चाहते हैं तो लास्ट में जब ये चैप्टर खत्म होगा तो एक थंबनेल आएगा आपकी स्क्रीन पे, आप उस पर क्लिक कर देना, वाइटामिन लिखा होगा और आप वाइटामिन वाली वीडियो पे पहुंच जाएंगे और वहां थोड़ा और डिटेल में वाइटामिन्स को समझ पाएंगे। देयर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वाइटामिन्स कॉल्ड वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक और ग्रुप है, क्या है वो, है वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर बहुत सारी वाइटामिन होती है बी कॉम्प्लेक्स के अंदर, जैसे कि वाइटामिन B1, वाइटामिन B3, B9 ऐसे। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। हमारी बॉडी को हर प्रकार की वाइटामिन की जरूरत होती है, चाहे विटामिन ए हो, चाहे विटामिन बी, चाहे विटामिन सी या डी, या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सब चाहिए क्योंकि सब अलग अलग काम करते हैं। जैसे विटामिन ए क्या करता है, हमारी स्किन को और हमारी आईज को हेल्दी रखता है, कौन, विटामिन ए। विटामिन सी क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है ताकि हम बीमारियों से लड़ पाए। इसलिए कहा जा रहा था कि जैसे कि अभी ये पैंडमिक का टाइम है, हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो उसके लिए हमें खट्टी चीजें खानी चाहिए, क्योंकि उन खट्टी चीजों में विटामिन सी होता है जो डिसीज से लड़ने में हेल्प करता है। विटामिन डी किसके लिए होता है, ताकि कैल्शियम का हम प्रॉपर यूज कर सकें अपनी हड्डी और टीथ के लिए, ठीक है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो आपका शरीर कैल्शियम को भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा और फिर आपके दांत और हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर। तो चलिए अब देखते हैं अलग अलग हम जो विटामिन रिच फूड्स हैं उनको। उससे पहले मिनरल्स के बारे में भी बताया जा रहा है। तो जिस प्रकार विटामिन्स हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, वैसे ही मिनरल्स भी होते हैं, बट इनको छोटी अमाउंट में लेना होता है। चलो, सोर्स ऑफ विटामिन ए मैंगो है, कैरेट है, पपाया है, मिल्क भी है, फिश ऑयल भी है। इन सब से हमें क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा, जो हमारी आईज और स्किन के लिए काफी अच्छा है। अभी जो हमने देखे थे कुछ, वो सोर्सेज ऑफ विटामिन बी थे, मीट, ग्राउंडनट, ये सब। अब है विटामिन सी, मैंने कहा था खट्टी चीजों में होता है, तो आंवला में है, टमाटर में है, ऑरेंज में है, ग्वावा में है एंड हरी मिर्च में भी होता है विटामिन सी। अब बात आती है विटामिन डी, तो ये होता है मिल्क में, बटर में, लीवर में, एग में एंड फिश में। आर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारा जो शरीर है वो नेचुरल विटामिन डी भी बना लेता है नेचुरल तरीके से। कैसे, सनलाइट में खड़े होके, धूप में खड़े होना सुबह के टाइम काफी अच्छा रहता है, शरीर को विटामिन डी मिलती है। लेकिन आजकल के टाइम पे लोग इसको करते ही नहीं है और इतनी सूरज की रोशनी होने के बावजूद भी हमारे अंदर, हमारे देश में विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है। For proper growth of body and to maintain good health, some sources of different minerals are shown in figure 2.10. तो जिस प्रकार हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, फैट्स, इनकी ज़रूरत होती है, वैसे ही कुछ मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। तो आइए इस पिक्चर से देखते हैं कि वो कौन कौन से मिनरल्स हैं और हमें वो कहाँ से मिल सकते हैं। जैसे पहला मिनरल है आयोडीन। हमारे शरीर में को आयोडीन की भी ज़रूरत होती है और ये हमें फिश से, जिंजर से, इन सब चीज़ों से, सॉल्ट से मिल सकता है। इसलिए तो वो ऐड भी आता है ना कि आयोडीन वाला आपको नमक खाना चाहिए, टाटा नमक वाला। अब देखिए फॉस्फोरस, ये भी एक मिनरल है जो कि हमें बनाना, मिल्क, इन सब चीज़ों से मिलता है। आयरन हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, स्पेशली पालक से मिलता है, मीट से मिलता है और एप्पल से भी मिलता है। और ये है कैल्शियम, कैल्शियम हमें एग से मिलता है एंड मिल्क से मिलता है। तो ये कुछ मिनरल्स थे। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। ज़्यादातर जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अब देखिए मिल्क को ले लीजिए, जो मिल्क है
इसके अंदर आपको फॉस्फोरस भी मिलेगा और कैल्शियम भी मिलेगा, दोनों ही पिक्चर में बना हुआ है। सिमिलरली जो पालक है वो आपको आयोडीन भी है पालक में और आयरन भी होता है, तो एक खाने की चीज में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फर्क इतना है कि हो सकता है कि आयरन में आयोडीन ज्यादा मौजूद हो, है ना, और आयरन ज्यादा मौजूद हो आयोडीन कम हो, या आयरन ज्यादा हो आयोडीन कम हो, ऐसी चीजें हो सकती हैं। और जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होती है तो हम पर्टिकुलरली उस फूड आइटम को उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में डालते हैं, जैसे कि राइस। राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि राइस एक कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइट्री फाइबर एंड वाटर। न्यूट्रिएंट्स तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर को ज़रूरी होती हैं, जैसे डाइट्री फाइबर्स और पानी। इसलिए बोला जाता है कि पर्याप्त पानी पीजिए, ज़्यादा पानी पीजिए। डाइट्री फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइट्री फाइबर को हम एक और किस नाम से जानते हैं, रफेज से जानते हैं, याद रखिएगा रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। और रफेज ज़्यादातर हमें किन चीज़ों से मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। इन सारी ही चीज़ों से, जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक लिखी है, वेजिटेबल्स तक, इन सब से हमें क्या मिलता है, रफेज मिलता है। रफेज से हमारे शरीर को कोई न्यूट्रिएंट तो नहीं मिलता है, बट ये बहुत एसेंशियल कंपोनेंट होता है हमारे खाने का, क्योंकि ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है किससे, अनडाइजेस्टेड फूड से छुटकारा पाने में, जो वेस्ट मटेरियल है उससे छुटकारा पाने में हेल्प करता है रफेज यानी डाइट्री फाइबर्स। तो अगर आपके फूड में डाइट्री फाइबर्स की कमी होगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हो जाएंगी। वाटर, हमने देखा डाइट्री फाइबर हमें किस प्रकार से हेल्प करती है, अब हम देखेंगे कि पानी हमें किस प्रकार से हेल्प करता है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। पानी किस लिए हेल्प करता है, कि जो भी हमने चीज़ें खाई, खाना खाया, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे वो हमारा शरीर एब्सॉर्ब कर पाए। और पानी क्या करता है हेल्प, इट आल्सो हेल्प्स इन द थ्रोइंग आउट सम वेस्ट्स फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। यूरिन, ठीक है, और पसीना, स्वेट, इनके द्वारा हमारे शरीर की गंदगी को भी पानी बाहर फेंकता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर डेट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। हमारे शरीर को जो ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, वो मुख्यतः किससे पूर्ण होती है, पानी से। जैसे पानी हो निर्मल नॉर्मल, या फिर हम मिल्क पी लें, क्योंकि उसमें भी तो कहीं ना कहीं पानी होता है, टी, ये सब लिक्विड्स हैं। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। और ज़्यादातर हम जब खाना बनाते हैं तो उसमें भी पानी डालते हैं, तो उनके साथ भी हमारी बॉडी में पानी जाता है। लेट सी इफ देर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। अब देखते हैं ऐसे और कौन से सोर्सेज हैं जो हमारे बॉडी को पानी देते हैं। जैसे एक्टिविटी 3 से देखेंगे, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड्स गेट वेट व्हाइल डूइंग सो। या तो आप टमाटर लीजिए या लेमन लीजिए या इस प्रकार का कोई भी फ्रूट लीजिए, क्या आपको ये काटते हुए आपके हाथ गीले हुए। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। घर पे जब आपकी मम्मियाँ सब्जी काटें, तब आप ये ऑब्जर्व करना कि कोई भी सब्जी या फ्रूट जब हम काटते हैं या उसका छिलका उतारते हैं जब, या फिर उसे मैश करते हैं, तो उनके अंदर क्या कोई अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है क्या, या फिर ऐसी कोई सब्जी आपने देखी जिनके अंदर ऐसा पानी ना होता हो, क्योंकि लेमन के अंदर तो बहुत सारा लिक्विड निकलता है। सेम विथ ऑरेंजेस, टमाटोज, इन सबसे तो हमारे हाथ गीले होते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी सब्जी है जिससे नहीं होते हों। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। और हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर सारे फूड मटेरियल्स में पानी होता ही है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। और बहुत
बहुत हद तक हमारे जो शरीर की ज़रूरतें हैं वो इस पानी से पूर्ण हो जाती है। लेकिन इसके अलावा भी हम खाना बनाते वक्त भी जो पानी है उसे डालते हैं डिशेस को प्रिपेयर करने में। अब आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड डाइट। अब तक हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया कि न्यूट्रिएंट्स के अलावा डाइट्री फाइबर एंड वाटर की क्या अहमियत है हमारे खाने में। अब हम देखेंगे कि बैलेंस्ड डाइट क्या होता है। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। जो हम नॉर्मली दिन में खाना खाते हैं एक दिन में, उसको हम अपनी डाइट कहते हैं। तभी तो कहते हैं किसी की डाइट बहुत ज़्यादा है, किसी की डाइट बहुत कम है। डाइट ज़्यादा होने का मतलब वो ज़्यादा खाता है, डाइट कम होने का मतलब वो कम खाता है। मतलब जो भी हम नॉर्मली खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। अगर हमें फिट रहना है, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए अगर हमारी, अगर हम ये चाहते हैं, तो हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, और वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी को प्रोटीन्स की ज़रूरत है तो हम प्रोटीन ही प्रोटीन खाएं, बाकी न्यूट्रिएंट्स को छोड़ दें। हर चीज़ को खाना है पर एक लिमिटेड अमाउंट में खाना है। ना तो हमें किसी चीज़ को ज़्यादा खाना है और ना ही किसी चीज़ को कम खाना है। The diet should also contain a good amount of roughage and water. जो हमारा खाना होता है उसके अंदर रफेज भी होना चाहिए और अच्छा पानी भी होना चाहिए। ये होती है हमारी complete diet, और इसलिए इसको कहते हैं balanced diet, क्योंकि ये बिल्कुल balanced होती है, संतुलित होती है। ना तो इसमें कोई चीज़ ज़्यादा होती है और ना ही कोई चीज़ कम होती है, और इसलिए हम सबको एक balanced diet ही follow करनी चाहिए ताकि हम healthy रहें, fit रहें। Do you think that people of all ages need the same type of diet? Think that what we need for a balanced diet would depend on amount of physical work that what we do. तो यहाँ पर दो questions आए कि अलग अलग ages के लोगों को अलग अलग प्रकार की balanced diet लेनी चाहिए, या फिर क्या balanced diet इस पर depend होनी चाहिए कि कौन कितना physical work कर रहा है। जैसे कोई एक मजदूर है, उसकी डाइट ज़्यादा होती है क्योंकि वो ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहा है, और जो घर में पड़ा रहेगा तो उसकी डाइट कम होनी चाहिए। क्या ऐसा होता है? प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। तो हमें क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है अपनी पूरे वीक की, जिसमें हमें चेक करना है कि क्या हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं कि नहीं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड मूंग फूड्स जो होते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि खमीर उठे हुए खाने की चीज़ें, जैसे कि साउथ इंडियन फूड होते हैं, इडली होता है, ढोकला भी बनाया जाता है फर्मेंट करके। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर, जैसे कि एक ही आटे में हम दो तीन प्रकार की आटे मिक्स कर देते हैं ना, जैसे जिसको बोलते हैं मल्टीग्रेन आटा, मिस्सी रोटी, थेपला बोल सकते हैं, थेपला गुजरात में खाया जाता है, बनाना, स्पिनच, सत्तू ठंड गर्मी को टाइम पिया जाता है, जागरी, गुड़, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। और जो भी मैंने ये सब नाम लिए, सारी चीज़ों में बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। इसलिए आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमें बैलेंस डाइट लेनी है तो खर्चा करना पड़ेगा। हम सस्ते में भी एक अच्छी बैलेंस डाइट ले सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, इट शुड बी कुक्ड। और सिर्फ राइट फूड खाना ज़रूरी नहीं है, ये पका हुआ भी होना चाहिए। पहेली वंडर्स वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स एंड डू दे ऑल्सो नीडेड अ बैलेंस डाइट। तो पहेली क्या सोचती है कि जो एनिमल्स खाना खाते हैं क्या उनको भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, क्या उसके अंदर भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ कि सिर्फ और सिर्फ हमें ज़रूरत नहीं है सही खाना खाने की, खाना कैसा होना चाहिए, प्रॉपरली कुक होना चाहिए ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स उसके ना मर ना जाए। कभी कभी हम खाने को कुछ ज़्यादा पका देते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मतलब इसलिए हमें खाने को थोड़े तरीके से ही पकाना चाहिए। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन।
तो क्या इससे पहले आपको ये पता था कि कुछ न्यूट्रिएंट्स खाना बनाते वक्त भी खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं? इफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ विटामिन्स। अगर हम सब्जियों को छील के काटने के बाद धोएंगे तो बहुत सारी विटामिन्स गायब हो जाएंगी, उसमें से विटामिन्स हट जाएंगी, पानी के साथ चली जाएंगी बह के। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। और जो स्किन्स मतलब जो छिलका होता है बहुत सारी सब्जियों का और फ्रूट्स का, उसमें बहुत विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, तो हमें छील के भी नहीं खानी चाहिए कई चीज़ें। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। और इसी कारण जब हम राइस को बार बार धोते हैं और दालों को बनाने से पहले बार बार धोते हैं, तो उनके भी जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं ना, वो सारे चले जाते हैं पानी के साथ। We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. हम सब जानते हैं कि cooking करने से, चटपटे मसाले डालने से खाना काफ़ी tasty हो जाता है और digest करने के लिए भी easy होता है। At the same time, cooking also result in the loss of certain nutrients. लेकिन cooking करने से बहुत सारे nutrients नष्ट भी हो जाते हैं। Many useful proteins and considerable amounts of mineral are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. अगर हम खाना बनाते वक्त तो बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करें और फिर उस पानी को निकाल के फेंक दें, तो सारे न्यूट्रिएंट्स उस पानी के साथ ही बाहर फेंक जाएंगे और आपके खाने में कुछ नहीं बचेगा। Vitamin C get easily destroyed by heating during cooking. और उनमें से सबसे ज़्यादा इजीली खाने को गर्म करने से कौन सा न्यूट्रिएंट गायब होता है, तो वो है विटामिन सी। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। इसलिए विटामिन सी लेने के लिए हमें अक्सर क्या करना चाहिए, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। आप आंवला खा सकते हैं, आप संतरा खा सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि वो आपको मिलती रहेगी, क्योंकि विटामिन सी तो ईजीली क्या होता है, गर्म करने से जल्दी मर जाती है। तो आप इस तरीके से रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स खा के विटामिन सी को ले सकते हैं, बिकॉज विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमें डिसीजेस से लड़ने की ताकत देती है, हमारे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है। वो जो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम, अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इज़न्ट इट? सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड्स लाइक समोसास, पूड़ी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। देखो ये बात तो सच है कि जितनी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, उससे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलेगी, फैट से। तो इसीलिए ये जो लड़का है, इसका नाम है बूझो, ये क्या करता है, ये सिर्फ फैटी फैट की चीज़ें खाता है। ये सोचता होगा कि मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तो क्या ये सही करता है? ये पूरे टाइम फैट की चीजें खाता है, समोसा खाता है, पूड़ी खाता है, मलाई, रबड़ी, पेड़ा। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है ये सही है? नहीं यार, बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे शरीर को हर न्यूट्रिएंट की जरूरत है, पर एक लिमिटेड अमाउंट में। और ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ फैट खा रहा है, वो भी बहुत ज्यादा खा रहा है। No, of course not. It can be harmful for us to eat too much of fat-rich food and we may end up suffering from a condition called obesity. तो अगर ये इस तरह से खाता रहेगा फैटी चीजें, तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगी ओबेसिटी की। और देखो ये हो ही रहा है इतना मोटा, और एक बार जो आप मोटे हो गए इस प्रकार से, तो बीमारी आपको घेर लेती है। चलिए अब आगे पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिसीजेस को। अब हमारा टॉपिक है डेफिशिएंसी डिसीजेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। कई बार ऐसा होता है कि हम खाना अच्छे से खा रहे होते हैं, दोनों टाइम खा रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट भी ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में कुछ कमी रह जाती है, और वो कमी होती है न्यूट्रिएंट्स की। और अगर हम शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, तो आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। इफ दिस कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द पर्सन मे सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। आपके अंदर, आपकी डाइट में जो भी आप खाना खा रहे हो, उसमें कोई न्यूट्रिएंट की कमी है, तो आपको क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी। मतलब उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी और उससे कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। द डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीजेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिसीज हो सकती है,
या बॉडी में कोई डिसऑर्डर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपकी बॉडी में. डिसीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड और आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस. तो देखो, डिसीज का मतलब क्या होता है? बीमारी. डेफिशिएंसी का मतलब होता है कोई कमी. तो अगर कोई बीमारी, किसी मतलब जो बीमारी है वो आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो रही है, किसी न्यूट्रिएंट की कमी से अगर कोई बीमारी हो तो उसको डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं. ठीक है. इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही और शी इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिसीजेस एंड डायरिया. अगर किसी इंसान की जो खाना है, डाइट है, उसमें एक सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं है, मतलब जितना प्रोटीन उसको खाना चाहिए डेली उतना अगर वो नहीं खाएगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी. आप कह सकते हो हाइट कम रहेगी, चेहरे पे सूजन रह सकती है, बालों का कलर अलग हो सकता है ना, स्किन की डिसीजेस हो सकती है एंड डायरिया भी हो सकता है. इफ द डाइट इज डेफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर लॉन्ग, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली. और अगर किसी बच्चे की जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो डाइट में तो उसकी जो ग्रोथ है बिल्कुल कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है, वो ग्रो ही नहीं कर पाता, बच्चा बढ़ नहीं पाता है. सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, सो वीक दैट ही और शी मे नॉट बी एबल टू मूव. वो इंसान इतना ज़्यादा पतला हो जाता है, इतना ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है कि वो सही प्रकार से चल फिर भी नहीं पाता. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. और इसी प्रकार अगर कोई विटामिन, जैसे विटामिन की कमी हो गई, मान लीजिए विटामिन ए की कमी हो गई, तो आपको आँखों में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी. विटामिन डी की कमी हो गई, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी. वैसे ही अलग अलग विटामिन्स की कमी से अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं. अब हमें वो टेबल में भी दिखाई है, अभी हम देख लेंगे. ठीक है. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. लेकिन अगर हमें स्वस्थ रहना है और ये सारी गंदी सी इन बीमारियों को दूर भगाना है तो हमें अपना खाना कैसा लेना चाहिए? Balanced लेना चाहिए. In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. इस चैप्टर में हमने एक चीज देखी थी कि अलग अलग जगह के लोग अलग अलग चीजें खा रहे थे, लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी जो एक प्रॉपर थाली है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है. चलिए नॉर्थ और साउथ का कंपैरिजन करके देखते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था, यहाँ पर लिख देते हैं नॉर्थ और यहाँ पर लिख देते हैं साउथ. मान लीजिए नॉर्थ में बोला जा रहा था कि आपकी थाली में कोई एक ग्रेन की चीज़ होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर वीट, वीट से बनी रोटी खाते हैं, वीट खा रहे हैं, और साउथ में ग्रेन राइस खाते हैं ये लोग. फिर यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कोई वेजिटेबल ले रहे हैं, किसी भी चीज़ की वेजिटेबल खा रहे हैं, तो ये लोग भी तो भिंडी वगैरह फ्राई करके खाते हैं और हम भी खा रहे हैं. फिर हम यहाँ पर दाल खाते हैं तो ये भी तो यहाँ पर मीट खाते हैं. ठीक है. तो इस प्रकार से देखिए एकदम बैलेंस्ड है, भले अलग अलग चीज़ें खा रहे हैं लेकिन है बैलेंस्ड. अगर ये इस राइस की जगह पे इडली वगैरह ले लें देन ये भी अच्छा है, फर्मेंटेड होता है. तो सबकी जो थाली है अलग अलग रीजन्स की वो एकदम परफेक्ट है और बैलेंस्ड है. लेकिन ये दूसरी बात है कि आजकल कोई उस हिसाब से खाता नहीं है, सबने अपनी डाइट चेंज कर ली है, टाइम भी उनका चेंज हो गया है. चलिए, ये जो डिसीजेस की बात की गई थी कि विटामिन्स की कमी से डिसीजेस होती हैं, उनको देख लेते हैं जल्दी से. सम डिसीजेस डिसऑर्डर कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन और मिनरल के नाम यहाँ लिखे हैं और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर यहाँ लिखे हुए हैं और सिम्टम्स भी हैं. जैसे विटामिन ए, मैंने आपको बताया था अगर आपकी डाइट में विटामिन ए की कमी होगी तो आपकी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी, कम दिखने लगेगा आपको, अंधेरे में बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, और अगर ज़्यादा कमी हुई तो बिल्कुल अंधे हो जाओगे. विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी बेरी. ठीक है. इसमें क्या होता है, आपकी जो मसल्स होती हैं काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और कम एनर्जी
एनर्जी होती है आप में वर्क करने की। देन विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी में आपके मसूड़ों से क्या आता है, खून आता है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, आपकी जो हड्डियाँ काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, मुड़ने लग जाती हैं, आप झुकने लग जाते हो, आपके शरीर का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। देन कैल्शियम आता है। कैल्शियम की वजह से क्या होता है, हमारे बोन और टूथ खराब होने लगते हैं, टूटने लगते हैं दांत वगैरह। तो इससे क्या होता है, वीक हो जाते हैं आपके बोन और टूथ, ठीक है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, गॉइटर होता है, गले में हो जाता है, गले में एक जगह होती है, ग्लैंड होता है, वो काफ़ी फूल जाता है, ठीक है, लिखा है ना, स्वेलन। और कभी कभार बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी भी आ सकती है, ठीक है। आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया हो जाता है, और इस खून की कमी से वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो इस चैप्टर में हमने कौन कौन से कीवर्ड्स पढ़े थे, आओ ज़रा नज़र डालें। हमने बैलेंस डाइट पढ़ा, ठीक है, कि हमें अपने खाने में एकदम बैलेंस्ड डाइट रखनी चाहिए। देन बेरी बेरी पढ़ा था हमने, जो विटामिन B1 की कमी से होता है, यहाँ लिखा है B1। देन कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है, ये भी हमने देखा। देन एनर्जी तो आप सभी जानते हैं, हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। फैट भी क्या है, एक न्यूट्रिएंट है, मिनरल्स न्यूट्रिएंट है। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, खाने का इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होते हैं, जो अगर हमारे खाने में जिस कमी हो गई नहीं, तो फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं शरीर में अपने। प्रोटीन क्या है, ये भी एक न्यूट्रिएंट है। रफेज क्या है, इसको हम और डाइट्री फाइबर भी कह सकते हैं। ये किस में हेल्प करता है, रफेज हेल्प करता है ताकि हम अपने शरीर से जो वेस्ट है उसको बाहर कर सकें ईजीली। स्कर्वी क्या है, स्कर्वी ये बीमारी है, देखो यहाँ लिखा है विटामिन सी की कमी से होती है। स्टार्च क्या है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट ही है, मतलब कॉमनली फाउंड होता है और पोटैटो में यूज होता है। हमने आयोडीन वाला टेस्ट किया था ना पोटैटो के ऊपर इसी चैप्टर में, तो उससे पता चल गया था कि पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है, यानी कि पोटैटो के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। देन हमने विटामिन देखे, और विटामिन से होने वाली सारी डिसीजेज हमने इस टेबल में पढ़ी हैं। नाउ एक बार और हम क्या करेंगे कि समरी देखेंगे, एक बार क्विकली रिवीजन हो जाएगा कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर। हमारे खाने के जो मेजर कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। और इसके साथ साथ हमारे खाने में क्या क्या मौजूद होना चाहिए, डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन एंड मिनरल्स की वजह से हमारी बॉडी ग्रोथ करती है और मेंटेनेंस बना रहता है, जैसे कभी हमें चोट वोट लग जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। विटामिन्स हमें हेल्प करते हैं ताकि हम किसी भी डिसीज से लड़ सकें। बैलेंस डाइट से क्या होता है कि सारी बैलेंस डाइट क्या होती है कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक परफेक्ट क्वांटिटी में होते हैं, जितनी क्वांटिटी में होना चाहिए। और इसमें हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए, रफेज भी इंक्लूड करना चाहिए, यानी डाइट्री फाइबर, और पानी भी एक सफिशियंट अमाउंट में हमें पानी भी पीना चाहिए। कम पानी पीने से बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम में कॉज सर्टेन डिसीज और डिसऑर्डर। ये भी हमने देखा, देखो इसी टेबल में इतनी सारी बीमारियाँ लिखी हैं कि अगर न्यूट्रिएंट्स की बहुत टाइम तक कमी रहेगी तो बहुत सारी बीमारियाँ हमें लग जाती हैं। काफ़ी अच्छा चैप्टर था, बहुत सारी जानकारी मिली। और इस टाइम पे जो कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, COVID-19, तो इस टाइम पे ये सारी जानकारी हमारे लिए बहुत यूजफुल है। सिर्फ चैप्टर में क्वेश्चन आंसर याद करना ही नहीं रहता, ये चैप्टर्स आपके लिए इसलिए होते हैं कि आप इन्हें समझें और अपनी लाइफ में अप्लाई करें। तो अब आज से सब ध्यान देंगे, सही खाना खाएंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे, और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने घर पे भी बताना कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन सी देख रहे हो ना, किससे लड़ने में हेल्प कर रहा है, अगेंस्ट द डिसीजेस, ये लिखा है इस बॉक्स के अंदर, अगेंस्ट द डिसीजेस दे रहा है। तो आपको विटामिन ज़रूर लेना है, क्योंकि इस टाइम हमें फाइट करना है किससे, COVID-19 से, या कोई भी बीमारी आ जाए, इस सब आपके शरीर में होना चाहिए, तभी आप फाइट कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साक्षी विद्या साधना।